अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आपको आलू के पफ़ बनाना बताएंगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप हमारी पूरी रेसिपी को गौर से देखिए। रमज़ान के दिन हैं, ये मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। तकरीबन 5 आलू रखे हैं मैंने, ये उबल गए हैं और अच्छी तरह से उबलने ज़रूरी हैं ताकि ये हाथ से मैश हो जाएं। ये देखिए, आलू को मैंने अपने हाथ से मैश कर लिया है तकरीबन, और अच्छी तरह से मैश होने के बाद हम इसमें मसाला शामिल करेंगे। आप पूरी रेसिपी को गौर से देखें ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। ये बहुत लजीज़ और बहुत ही मज़ेदार पकौड़ियाँ तैयार होती हैं जो कि आलू के पफ कहलाते हैं। अच्छा, इसमें हमने हल्दी डाली है 1/2 चम्मच, और ये है लाल मिर्च 1 चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई 1/2 चम्मच, हल्दी और हसबे जायका नमक मैंने 1 चम्मच, 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। ये मैंने आधी आधी 2 बार चम्मच डाली है, तकरीबन 1 टीस्पून है जो हमने इसमें शामिल किया। और ये है इमली का पल्प, जो कि मैं अपनी हर रेसिपी में बताती हूँ। उसका तरीका बहुत सारी रेसिपी में है, इस वक्त नहीं बता रही। ये इमली का पल्प जो मैं तैयार करके रखती हूँ, आप मेरी दूसरी रेसिपीज़ जो इसमें एंड स्क्रीन पे हो उसमें आप देख लें, इसका तरीका उसमें बताया गया है। हर रेसिपी में तकरीबन बताती हूँ। ये 2 बड़े चम्मच आप इमली का पल्प, इसमें लहसुन शामिल करेंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन, तकरीबन 1 से 1.5 डली आपके पास पिसा हुआ पड़ा होता होगा, यकीनन नहीं हो अगर तो आप पीस के डाल सकते हैं। मैं कोई पकाती हूँ इस वजह से सब चीज़ें पहले ही से रेडी रखती हूँ ताकि थोड़े वक्त में जल्दी से जल्दी बना लूँ। इसको अच्छी तरह से मैश कर लें बिल्कुल यकजान, इसको आप करके एक साइड पे रखते हैं। अब मज़ीद आगे देखें, हम चाहेंगे, अब हमें चाहिएगा बेसन। बेसन 1 कटोरी लेकर, इसमें ये बेकिंग सोडा आपने तकरीबन 1 चुटकी डाली, लाल मिर्च और हल्दी और नमक, ये 3 चीज़ें हसबे जायका हसबे मंशा डालकर आप तकरीबन, थोड़ा थोड़ा ही पड़ता है पकौड़ों की लिए जो तैयार किया जाता है, इस तरह से पानी से इसको घोल को पेस्ट बना लें। इस तरह पकौड़ों के लिए बनाया जाता है आमतौर पर। अब ये जो हमने आलू मैश किया था, इसके हम बॉल बना लेंगे, आपने देखे। अब इस बॉल को हम, ये जो पकौड़ों का जो पेस्ट बनाया हमने आपके सामने, उसके अंदर डिप करेंगे अच्छी तरह से। इसको तकरीबन पूरे पे कवर करें, ज़रूरी है कोई भी कोना खाली नहीं होना चाहिए। हाथ से ही किया जाता है, हाथ को अच्छी तरह धोकर आप कुकिंग हाथ से ही करें, ये हमारा देसी तरीका है और यही बेस्ट है। इसको डीप फ्राई करेंगे आप, आलू के पफ को हमने ये डीप फ्राई कर लिया है। अब हम इसे ये देखें प्लेट में निकाल देंगे। ये बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार बनती है, क्विक बन जाती हैं, कोई देर नहीं लगती। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये हमारी टेबल तैयार हो चुकी है, इस पर आज हमने आलू के पफ बनाए हैं, और दूसरी चीज़ें तो जो बेसिक होती हैं तो बनती ही रहती हैं। आज हमने ये आलू के पफ अलग से बनाए हैं और हमारी टेबल तैयार है। रमज़ान के दिन हैं, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना ना भूलें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।